मैं मायके चली जाऊंगी। बड़ा सुनने में अच्छा लगता है, नाम बड़ा यूनिक, घर घर कहानी लगता है। तो ये कितनी औरतों का दर्द आप बयां करने की बात बात, तो हर किसी को तैयार कि हम मायके जाना ही चाहिए। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार, और ये बहुत अच्छा सवाल आपने हमसे पूछा, ये बहुत ज़रूरी है बताना। इस फिल्म के माध्यम से हम जो सबसे बड़ी बात लोगों को बताना चाह रहे हैं वो ये है कि हम बार बार जो बात करते हैं कि ये लड़की का ससुराल है, ये लड़की का मायका है, तो जेन्युइनली स्पीकिंग तो लड़की का अपना घर कौन सा है वो आज तक डिसाइड नहीं हो पाया है कि लड़की का खुद का घर कौन सा है। और जब औरतें ये सिनेमा देखेंगी तो मुझे लगता है कि जो बच्चियों को बचपन से एक ख्वाहिश रहती है ना कि मुझे बड़े होकर शादी करना है, बड़े होकर शादी करना है, उन सबके ख्वाहिश में थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन होगा और वो ऐसा सोचेंगी कि मुझे पहले अच्छे से पढ़ाई करनी है, फिर मुझे बड़े होकर सक्षम बनना है, अपने नाम पे एक घर खरीदना है और उसके बाद शादी करना है। सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो हम लोग इस फिल्म से लोगों को कहना चाह रहे हैं मेजरली। बाकी उसके अलावा मेन मैसेज के आसपास इर्द-गिर्द जो कहानी घूम रही है, जो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं ड्रामेडी बनाने का, ड्रामा ट्रेजेडी उसी के बीच में कॉमेडी, वही हम फिल्म बना रहे हैं। ये फिल्म फुल पैकेज है, आपको इसमें एक्शन, बहुत ही अच्छे अच्छे गाने, बहुत ही अच्छे अच्छे सीक्वेंसेस देखने मिलेंगे। सो आई एम होपिंग जब फिल्म आप लोगों के बीच में आएगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा देखकर। कितना डिफरेंट है इसमें आपका किरदार? इसमें एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स फिल्मों में तो मैं एकदम हमेशा गुस्से वाला रोल करती हूँ, इस पिक्चर में मेरा बेचारा साइड आप लोगों को देखने मिलेगा। अगर सही शब्दों में कहूँ तो ना घर की ना घाट की वाला आपको हाल देखने मिलने वाला है इसमें मेरा। और बहुत ही फनी स्क्रिप्ट है, फनी, एंटरटेनिंग और मीनिंगफुल। तो मेरा एक थोड़ा सा सहमा हुआ अंदाज आपको फिल्म के कुछ हिस्सों में देखने मिल सकता है। आपकी और निरहुआ जी की जोड़ी है जो ऑडियंस बार बार देखना चाहती है, सिल्वर स्क्रीन पे जूली स्टार बनाती है, क्या कहना चाहिए, इसमें कितना ट्विस्ट होगा? आई थिंक ऑडियंस हमेशा, ऑडियंस ने जो फिल्में मैंने दिनेश जी के साथ की है उन फिल्मों को बहुत प्यार दिया है। और पर्सनली मुझे भी दिनेश जी के साथ फिल्म करने बहुत अच्छा लगता है, ही इज़ मोर लाइक फैमिली नाउ। अभी वो कोस्टार से ज़्यादा परिवार की तरह है, तो उनके साथ हम लोग फ्रीली सीन्स डिस्कस कर सकते हैं और बहुत कंफर्टेबली शूट करते हैं दिनेश जी के साथ, और वही आई थिंक लोगों को बहुत अच्छा लगता है, जनता उसे देखना पसंद करती है। तो येट अगेन इन सीरीज़ ऑफ फिल्म्स जो मेरी और दिनेश जी की बहुत हिट हुई है फिल्में, उस सीरीज़ में एक फिल्म ये भी ऐड हो जाएगी, मैं मायके चली जाऊँगी, मुझे पूरी गारंटी है। बिकॉज इस फिल्म की स्क्रिप्ट ऐसी है जो औरतों को बहुत पसंद आएगी। और मैंने कहीं पढ़ा था, एक्चुअली नहीं, मैंने एक इंटरव्यू देखा था नसीरुद्दीन शाह जी का, और उन्होंने कहा था कि जो फिल्म, जो कंटेंट औरतों को पसंद आ गया उस कंटेंट को कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई रोक नहीं सकता। तो ये फिल्म वैसी है जो औरतों को पसंद आएगी बहुत ज़्यादा, उन्हें देख के बहुत अच्छा लगेगा। सो आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दिस स्क्रिप्ट। देसी तड़का कितना लगेगा, देसी स्टाइल कितना दिखेगा इस फिल्म में? फुल दिखेगा। अरे मैं मुझे जब लोग देखते हैं कभी ऐसे पर्सनल लाइफ में और मुझे देख लेते हैं कि मैं इतने अच्छे से हिंदी में बात करती हूँ, इंग्लिश में बात करती हूँ, तो आधे से ज़्यादा लोगों को भरोसा ही नहीं होता है, उनको लगता है कि मुझे सिर्फ भोजपुरी आती है और कोई भाषा आती नहीं है, तो मतलब मेरे को इतना देसी स्टार मान लिया है लोगों ने, इतना देसी एक्टर मान लिया है। सो मैं किसी फिल्म में रहूँ और उसमें देसी तड़का ना रहे ऐसा हो नहीं सकता। बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं इस फिल्म में ऐसे जो लोगों को बहुत पसंद आएंगे। डायरेक्टर साहब की बात कीजिए, क्या कहना चाहेंगे? बंटी सर के बारे में मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, हमेशा बोलती हूँ, मैं उनको भी बोलती हूँ, हर किसी को मैंने कहा है, इट इज़ ऑलवेज फन वर्किंग विथ हिम। और आई थिंक उनसे ज़्यादा क्रिस्प डायरेक्टर नहीं है जिसके साथ मैंने काम किया। क्रिस्प का मतलब उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें कितना शूट करना है। सो आई थिंक मुझे हमेशा उनके साथ काम करने को इसलिए पसंद आता है बिकॉज जहाँ पर वो सोचते हैं वहीं पर मैं भी सोचती हूँ, हम लोगों का थॉट प्रोसेस बहुत मैच होता है। एंड ऑल्सो इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, मतलब उनकी हज़ारों और खूबियों के अलावा वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं ही, ऐसा नहीं कि दोस्त है इसलिए फिल्म कर रहे हैं, बट इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, आई फील वेरी कम्फर्टेबल विथ हिम, तो बहुत अच्छा लगता है। प्रवीण कुमार जी फिल्म जी, प्रवीण जी
इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल प्रोड्यूसर, बहुत ही अच्छी फिल्म बना रहे हैं हम। सेट पर जब होते हैं तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि सेट पर जो डायरेक्टर होते हैं वो हमारे पिता समान होते हैं, यू नो ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, और जो प्रोड्यूसर होते हैं प्रोड्यूसर इज़ लाइक मदर, वो सब चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उससे पहले प्रवीण जी हमारे लिए वो उपलब्ध करा देते हैं, तो हम लोग बहुत थैंकफुल हैं उनको कि वो इतना अच्छा सिनेमा बना रहे हैं और सिनेमा में लगने वाली हर चीज़ हमको उपलब्ध करा के दे रहे हैं। थैंक यू मैम। बात करें अभी आपका जो है एक चिंटू जी के साथ फिल्म आई जो 10 मिलियन यूट्यूब पे है मूवी, ठीक बना? हाँ जी, उसमें एक कॉलेज डॉक्टर गर्ल कॉलेज गोइंग गर्ल आप बनी है, loveviva.com। जी क्या कहना चाहेंगे, अलग लुक आपका, बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं लोग उस सिनेमा को। आई थिंक बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, कुछ ही समय हुआ फिल्म को डिजिटली रिलीज होके यूट्यूब पर आकर, और लोगों ने बहुत प्यार दिया है फिल्म को। फिल्म का कंटेंट लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। उस फिल्म को बनाया था अनंजय रघुराज जी ने, वो डायरेक्टर थे फिल्म के, एंड ही वाज वेरी क्लियर कि उनको क्या शूट करना है। बहुत अच्छी फिल्म उन्होंने बनाई, और जब हम फिल्म शूट कर रहे थे तभी हमको पता था, क्योंकि शूट करते टाइम समझ में आ जाता है कि इस सीक्वेंस को हम खुद कितना इन्जॉय करें, तो हम जितना इन्जॉय करें उतना ही ऑडियंस इन्जॉय करेगी। और अनंजय जी ने जो सोच कर फिल्म को बनाया था वो सोच उनकी सफल हुई, और यंग जनरेशन ऑफ ऑडियंस को फिल्म बहुत अच्छी लगी। आई थिंक बहुत सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और इंटर्नशिप करने वाले बच्चे फिल्म को बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। सो उनका प्रयास सफल हुआ, हमारा हम सबका प्रयास सफल हुआ, वेरी हैप्पी। एंड मैं और चिंटू जी हमेशा सेट पर ये बात करते थे कि देखिएगा कि जब ये फिल्म रिलीज़ होगी ना तो हम लोग एक अलग जॉनर ऑफ ऑडियंस को टच करेंगे, और वो सच हुआ। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू आप लोग फिल्म देखते हैं। मैम बात करें दिनेश जी की, एक तरफ शूटिंग है तो जनता की सुनवाई, सांसद भी हैं अभिनेता भी हैं, दो दो किरदार एक साथ एक सेट पर निभा रहे हैं, क्या कहना चाहिए, कितना मैनेज हुई? जी दिनेश जी के सांसद बनने के बाद हम लोग ये आई थिंक सिक्स्थ फिल्म कर रहे हैं, सिक्स्थ या फिफ्थ फिल्म मैं कर रही हूँ आजमगढ़ में। और मुझे जिस बात की सबसे ज़्यादा खुशी होती है वो ये है कि जब दिनेश जी का चुनाव चल रहा था तो हम सब आए थे उनके कैंपेनिंग में, और लोगों से उनके लिए वोट मांगने, और हम सब ने लोगों को ये आश्वासन दिया था कि दिनेश जी अगर सांसद बनेंगे तो आपके घर आके आपकी बातें सुनेंगे। और मुझे बहुत गर्व है मेरे दोस्त और सांसद आजमगढ़ दिनेश लाल यादव दिरोबा जी पे कि वो सच में पर्सनल लेवल पर लोगों की तकलीफें सुन रहे हैं और उसका समाधान कर रहे हैं, सारी तकलीफ़ों का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद जब से आजमगढ़ में आ रहे हैं अभी इतना समय बीतने के बाद, तो हमको हर बार आजमगढ़ में नया कंस्ट्रक्शन होते हुए दिखता रहता है, हर तरफ डेवलपमेंट होते हुए दिखता रहता है, तो बहुत खुशी होती है कि दिनेश जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि दिनेश जी बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी है, तो वो अपनी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ उनकी एज एन एक्टर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे भी बहुत बखूबी निभाते हैं। बाहर वो भले 100 लोगों की सुनवाई करके अंदर आए हों, लेकिन जब हम सीन करने जाते हैं तो उनका वो जो, ऐसे ही उन्हें जुबली स्टार नहीं कहा जाता है, उनका जो जुबली स्टार वाला तड़का होता है ना किसी भी सीन में, उनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो भी वो आके कर देते हैं। तो आई थिंक दोनों रोल दिनेश जी बहुत बखूबी निभा रहे हैं, और बहुत मज़ा आता है और बहुत गर्व होता है उनको यहाँ पर काम करते हुए। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे मैं माइक पे? ऑडियंस को मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आप लोग हमेशा बहुत प्यार देते हैं, बहुत दुलार देते हैं, इतना पता नहीं मेरे कौन से जन्म का कर्म है कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच। और मैं हमेशा यही कोशिश करूँगी अपनी आखिरी सांस तक कि आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँ, और उन्हीं कोशिशों में से एक कोशिश ये भी है मैं मायके चली जाऊँगी। तो प्लीज़ जब भी ये फिल्म आपके बीच आएगी आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा, बिकॉज मैं गारंटी करती हूँ कि आप लोगों को ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। और बाकी और कुछ मुझे आप लोग से नहीं चाहिए, आप लोग का आशीर्वाद इज मोर देन एनफ फॉर मी, थैंक यू सो मच। मैम चलते चलते बात करें, संघर्ष 2 आ रही है खेसारी लाल यादव जी की दुर्गा पूजा 20 तारीख को, क्या 10 ऑल द वेरी बेस्ट पूरी टीम को, भगवान करे फिल्म बहुत बड़ी हिट हो, थैंक यू।